नमस्कार, मनुदेल सिरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यवाद को, मर्केंटलिज्म है उसको पढ़ेंगे, इसके कारण है उनको देखेंगे, फिर इसके जो परिणाम है वो क्या हुए उसको देखेंगे, फिर इसके पतन जो हुआ यूरोपीय देशों में 250 साल तक ये जो परंपरा है वाणिज्यवाद की, तो ये चली, उसकी पतन के क्या कारण रहे उनको हम देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो जो वाणिज्यवाद है, जो मर्केंटलिज्म है, वो हुआ क्यों? हमने सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ा, पहले उनकी सभ्यताएं पढ़ी, फिर सभ्यताओं का पतन है वो पढ़ा, फिर उसके बाद में जो धर्म है ईसाई धर्म और जो अपना इस्लाम धर्म है उसके उदय और पतन के हमने कारण देखे, उसके बाद में हमने जो उन्होंने क्या क्या दिया उनके बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े, पुनर्जागरण को पढ़ा। तो ये जो वाणिज्यवाद है ये आया क्यों? यूरोपीय देशों में सबसे पहले जो वाणिज्यवाद है उसकी जो परंपरा फैली वो ऐसी थी कि जो 16वीं 18वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी देशों में व्यापार वाणिज्य के नियम इस तरीके से निर्धारित किए गए थे कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसी वजह से हमारे देश पे क्या करते हैं, इंग्लैंड जो उपनिवेश स्थापित करती है जगह जगह पे, जो इतने भी जो देश थे जो इस वाणिज्यवाद के प्रभावित रहे थे, पर वाणिज्यवाद को मानते थे, उनका ये मानना था कि दूसरे देशों में जाओ, वहाँ पर व्यापार करो, वहाँ का जो धन दौलत है, सोना चांदी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, क्योंकि ये वाणिज्यवाद की नीति ऐसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। तो अब हम इसको देखते हैं कि वाणिज्यवाद का जो शब्द है वो सबसे पहले वाणिज्यवाद का प्रयोग किया था एक अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। अगर इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, मतलब इस पुस्तक का पूरा नाम क्या मिलता है, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपको ये भी मिलता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की है, या फिर पूरा नाम मिलेगा आपको एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड क्रोजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये किसकी किताब है, एडम स्मिथ की, और ये प्रथम अर्थशास्त्री थे जिसने वाणिज्यवाद का प्रयोग किया था। उसके बाद में जर्मन वैज्ञानिक मुस्ताफ स्लायर, स्वीडन वैज्ञानिक थे इली हमसर, इन दोनों ने भी क्या किया है, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे वाणिज्यवाद का एडम स्मिथ। वाणिज्यवाद आप समझ गए कि क्या है, कि ऐसी नीति अपनाएगी जिसमें अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। अब वाणिज्यवाद का नारा दिया गया था, तो नारा आपको याद रखना है, तो वाणिज्यवाद में क्या है, अधिक से अधिक धन कमाना है, तो इसका नारा भी क्या रहेगा, पहला नारा है कि अधिक सोना अधिक संपन्नता और अधिक शक्ति, यानी कि आपके पास में जितना अधिक सोना होगा जिस राष्ट्र के पास में, वो उतना ही अधिक संपन्न रहेगा और उसके पास में उतनी अधिक शक्ति रहेगी, यानी अधिक शक्ति अधिक संपन्नता और अधिक सोना, ये वाणिज्यवाद का नारा था। दूसरा नारा था कि एक देश की संपन्नता और दूसरे देश की विपन्नता, ये दो नारे थे वाणिज्यवाद के नारे थे। तो आपको याद रखना है कि वाणिज्यवाद के नारे क्या थे, अधिक सोना अधिक संपन्नता अधिक शक्ति, दूसरा था एक देश की संपन्नता और दूसरे देश की विपन्नता। इसमें एक नाम आता है, विलियम पेटी ने कहा है कि सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि बहुमूल्य धातुएं एकत्रित करके उनमें वृद्धि करना ही व्यापार वाणिज्य का अंतिम उद्देश्य है। तो वहाँ का उसमें क्या था, प्रभावी था ये वाणिज्यवाद, तो वहाँ पे इसमें जो जितने भी लोग थे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो उसमें जो अर्थशास्त्री हो, उन सभी ने क्या माना है कि जितना धन होगा उस राष्ट्र के पास में, और जितनी उसके पास में हीरे जवाहरात ये बहुमूल्य जो वस्तुएं होंगी, वो उतना ही क्या बनेगा, समृद्ध बनेगा, वो उतना ही शक्तिशाली रहेगा। इस वजह से सभी ने इसका क्या कर दिया, समर्थन किया था वाणिज्यवाद का। तो वाणिज्यवाद हुआ क्यों, लोगों ने एक जगह इकट्ठा सोना चांदी जवाहरात या आदि बहुमूल्य जो धातुएं वे एकत्रित करनी शुरू क्यों कर दी, अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की, तो इसका कारण था वाणिज्यवाद का कारण था पुनर्जागरण। सबसे पहला कारण इसको हम पढ़ चुके हैं, धर्म जो सुधार हुआ वो राष्ट्रीयता की भावना, लोगों में अपने देश के प्रति क्या आ गई थी, राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी, तो दोनों एक देश दूसरे देश का क्या बन गया, प्रतिस्पर्धी बन गया, तो वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता था, एक दूसरे से शक्तिशाली बनना चाहते थे, यानी राष्ट्रीयता की भावना आ गई। भौगोलिक खोज यानी कि अमेरिका की खोज हो गई, भारत की खोज हो गई, तो वहाँ के जो समुद्री मार्ग हैं उनकी खोज हुई, उस वजह से लोगों की भौगोलिक खोज है वो भी क्या देती है, वाणिज्यवाद का जन्म देती है कि वहाँ पे रहो, वहाँ पे जाके आप व्यापार करो, व्यापार करके वहाँ पे जितनी भी समृद्धि है, जितना भी सोना चांदी धन है, वो वहाँ से लेके अपने देश में आओ, ताकि अपने देश की क्या हो, समृद्धि बढ़े, उनकी ताकत में शक्ति बढ़े। तो ये था
भौगोलिक खोजों का भी एक वाणिज्यवाद का कारण था भौगोलिक खोज। वैज्ञानिक आविष्कार, नए नए आविष्कार हो गए थे वो भी क्या बने, वाणिज्यवाद के कारण बने थे। राष्ट्रीय राज्यों का उदय, राष्ट्रीय राज्य क्या थे, राष्ट्रीय राज्य ये थे कि वो लोग क्या चाहते थे कि मेरा राष्ट्र सबसे ज़्यादा उदय हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने। आर्थिक कारण रहे, जनसंख्या वृद्धि हो गई थी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लोगों में उत्प्रेरकता थी कि मैं उसे आगे बढ़ूँ, ये भी एक कारण था। अब एक है आयरन लो ऑफ वेगस, ये क्या था आयरन लो ऑफ वेगस, तो ये मेहनती लोगों को केवल जीवन यापन करने के लिए धन मिलना चाहिए क्योंकि धन प्राप्त होने पर वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और गरीब ही बने रहते हैं। तो क्या होना चाहिए, आयरन लो ऑफ वेगस के अनुसार मेहनती लोगों को केवल जीवन यापन के लिए क्या करना चाहिए, धन मिलना चाहिए, कि जो मेहनती लोग हैं उनको केवल जीवन यापन के लिए धन मिलना चाहिए क्योंकि अगर धन प्राप्त होने पर ज़्यादा धन मिल जाएगा तो वह क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और वह गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि वाणिज्यवाद में धन के प्रति कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करो और अपने राष्ट्र को, राष्ट्रवादी भावना आ जाती है। जब पुनर्जागरण होता है तब क्या होता है, व्यक्तिवाद पे ज़्यादा जोर दिया गया था तो व्यक्तिवाद की भावना आने की वजह से लोगों में इकट्ठा करने की, शक्तिशाली बनने की क्या होगी, ज़्यादा प्रभावशालीता होगी तो और वाणिज्यवाद का धीरे धीरे उदय हो गया। वाणिज्यवाद का ही कारण है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूरोपीय देशों ने आके अपने यहाँ पे आके अपने व्यापार स्थापित किए, जो कोठियाँ हैं वो स्थापित की, उसके बाद में उनको अपना उपनिवेश बना लिया और उपनिवेश से के द्वारा यहाँ पे क्या करते, कच्चा माल यहाँ का लेके अपना जो निर्यात माल है यानी बना बनाया माल है उसको वापस देते, यानी कि जो अपने यहाँ से क्या लेते, कच्चा माल लेते और वहाँ पे फैक्ट्री में तैयार करके हमें जन मुँह मांगी कीमत पे वो बेचते थे, अपना उपनिवेश बना के और यहाँ का धन है वो अपने वहाँ ले जाते थे। ये वाणिज्यवाद की इनकी नीति थी। विशेषताएँ क्या हैं वाणिज्यवाद की, तो विशेषताओं में यह है कि उन्होंने सबसे पहले गोड एक तकनीक अपनाई जिसमें वो क्या करते थे, व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की नीति को अपनाया, कि जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उनके साथ साथ में क्या बढ़नी चाहिए, सांस्कृतिक श्रेष्ठता की नीति को भी अपने अपनाया, कि जो धर्म है, जो अपनी संस्कृति है वो भी श्रेष्ठ हो बाकी देशों से, तो इनको भी इन्होंने अपनाया था, व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की नीति को। ईसाई जो मशीनरी थी उसको प्रोत्साहित किया गया, अपने धर्म का प्रचार किया गया और यहाँ पे जो उत्पाद हैं वो यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा ये लें, तो ये इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ये इसकी विशेषता थी। रूडियार्ड क्लिपिंग ने कहा है कि श्वेत व्यक्ति का बोझ यानी वाइट मैन बर्डन थ्योरी सिद्धांत दिया रूडियार्ड क्लिपिंग ने, तो ये इम्पोर्टेंट है कि रूडियार्ड क्लिपिंग ने क्या दिया था, श्वेत व्यक्ति का बोझ या वाइट मैन बर्डन थ्योरी, ये सिद्धांत दिया है रूडयार्ड किपलिंग ने। अंग्रेजों को जाति और सभ्यता की दृष्टि से इसमें इसने सर्वश्रेष्ठ बताए हैं। दूसरी विशेषता है गोल्ड, सबसे पहले इन्होंने गोल्ड की नीति अपनाई थी, यानी कि अपना व्यापार बढ़ाओ और अपने धर्म का प्रचार करो। गोल्ड में इसकी क्या विशेषता है, गोल्ड में कि इन देशों ने अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाकर अधिकतम सोना चांदी और बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया और यह तभी संभव होता है जब विश्व व्यापार में उनकी अधिकतम हिस्सेदारी हो, भुगतान संतुलन उनके पक्ष में हो और अधिक से अधिक निर्यात हो और कम से कम आयात हो सके। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योगों का समर्थन किया, निर्यात शुल्क कम किए और आयात शुल्क इन्होंने बढ़ा दिए, तो ये गोल्ड की नीति इन्होंने अपनाई थी। ग्लोरियस, गोड, गोल्ड और ग्लोरियस, ये तीन इसकी विशेषताएं हैं, तीनों को याद रखना है, गोड, गोल्ड और ग्लोरियस। ग्लोरियस यानी संपन्नता, जिस देश का विदेशी व्यापार में अधिक हिस्सा होगा उसकी आय उतनी ही अधिक होगी, तो ये स्वाभाविक बात है कि जितना अधिक विदेश में व्यापार होगा उतनी ही अधिक क्या होगी, उसकी संपन्नता होगी और उतना ही अधिक वो संपन्न होगा। आर्थिक संपन्नता ने सैनिक श्रेष्ठता का आधार तैयार किया जिससे उपनिवेश स्थापना को प्रोत्साहन बढ़ावा मिला, तो ये संपन्नता, गोल्ड और ये क्या है, गोल्ड, ये तीनों इसके क्या हैं, विशेषताएं हैं। वाणिज्यवाद के परिणाम क्या हुए, राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि हो गई, जो राष्ट्रीय राज्य थे उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ने के लिए नई नई तकनीकें विकसित हुई जिसका परिणाम था औद्योगिक क्रांति, तो वाणिज्यवाद क्या है, औद्योगिक क्रांति का एक कारण रहा है। व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि होने से वर्ग का उदय हो गया, जब इंसान के पास में हर व्यक्तिगत पूंजी है यानी मेरे पास में अलग पूंजी, आपके पास में अलग पूंजी है, तो सभी क्या करेंगे, पूंजीवादी वर्ग है और संपन्न वर्ग,
वो क्या हो गए, उनमें सामंत वर्ग ये अलग अलग वर्गों में डिवाइड होना शुरू कर दिया। ये वाणिज्यवाद का ही कारण था। विभिन्न देशों के सांस्कृतिक समन्वय से अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास हुआ, धार्मिक उद्देश्यों का प्रचार प्रसार हुआ, दास व्यापार हुआ, बैंक और बीमा जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू हुई। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला वाणिज्यवाद से। यूरोपीय देशों ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और इन देशों से कच्चा माल खरीद और उत्पादों को मनमानी कीमत पर इन्होंने बेचा। तो यहाँ पे जिन्होंने, यहाँ पे पता ही है आपको, इंडिया में इन्होंने क्या बना लिया था, उपनिवेश बनवा लिया था। तो यहाँ पे कच्चा माल खरीदते और उत्पादों को मनमानी कीमत पे बेचते थे। वाणिज्यवाद का पतन क्यों क्या हुआ? 1600 से लेकर 1800 साल तक, लगभग 200 साल तक, फिर 1800 से भी थोड़ा आगे से ये चले थे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में वाणिज्यवाद का पतन आरंभ हो गया था, जिसके प्रमुख कारण थे धन को अत्यधिक महत्व दिया गया। यानी कि यहाँ पे जिन, आपको पता है कि जहाँ पे उपनिवेश स्थापित किया वहाँ उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया गया था, वहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचा गया था, सिर्फ वो उनका मकसद था धन को कमाना। दूसरा है निरंकुश राजसत्ता, कि वो निरंकुश राजसत्ता कि वो जो उपनिवेश बना लेते उसका शोषण ही करते थे, लोगों के बारे में नहीं सोचते थे। तीसरा है व्यापार को अत्यधिक महत्व देने के कारण कृषि का समुचित विकास नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण बात है कि वाणिज्यवाद ये मानते थे, उन जो वाणिज्यवाद जिन्होंने अपनाया था वो ये सोचते थे कि जो कृषि है वो एक क्या है, निश्चित टाइम पे ही आपको देगी। लेकिन अगर आपने ये इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, हीरे जवाहरात गोल्ड ये अगर आपने इकट्ठा कर लिया, तो आप हमेशा के लिए क्या बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे। तो इन्होंने क्या किया, कृषि का समुचित विकास नहीं हुआ, परिवर्तनशीलता का अभाव रहा, कि वो परिवर्तनशील नहीं रहे। उनका सिर्फ एक ही कारण था कि उपनिवेश बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो, अपना जो माल है वो बेचो, वहाँ से कच्चा माल सस्ती दरों पे लाओ। लेसेज फेयर, ये क्या है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एडम स्मिथ और फ्रांस के तुर्गो ने अहस्तक्षेप की नीति का, यानी लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत है लेसेज फेयर का सिद्धांत, जो किसने दिया था, फ्रांस के तुर्गो ने और एडम स्मिथ ने। इसमें तुर्गो ने कहा है कि उपनिवेश उस फल के समान होते हैं जो पकने के बाद मूल वृक्ष से अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने, ये तुर्गो ने ये कहा है। वाणिज्यवाद को व्यापार प्रधान होने के कारण वाणिज्यवादी जो प्रणाली है वो मर्केंटाइन सिस्टम कहा गया है। तो ये वाणिज्यवाद प्रणाली को क्या कहा गया है, मर्केंटाइन सिस्टम कहा गया है। अगर हम वाणिज्यवाद के लक्षण देखते हैं तो सोने और चांदी का संचय किया गया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ, यानी वाणिज्यवाद का आधार था ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी दूसरों देशों के साथ में व्यापार करना, ये वाणिज्यवाद के लक्षण हैं। अनुकूल और संतुलित व्यापार हो, औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण हुआ, नवीन व्यापारिक मंडियाँ और उपनिवेश की स्थापना हुई। इसमें महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि वाणिज्यवाद प्रणाली को क्या कहा गया, मर्केंटाइन सिस्टम कहा गया है। और ये एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में इन्होंने दी थी। फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद कहा जाता है, जबकि जर्मनी में कहा जाता है केमरलिज्म। जर्मनी में क्या कहा जाता है वाणिज्यवाद को, केमरलिज्म कहा जाता है, और फ्रांस में कहा जाता है कोलबर्टवाद कहा जाता है। और ये एडम स्मिथ की पुस्तक याद रखनी है, जो 1776 में इन्होंने लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। वाणिज्यवाद के नारे याद रखने हैं कि अत्यधिक सोना, अत्यधिक संपन्नता और अत्यधिक शक्ति, दूसरा था एक देश की संपन्नता और दूसरे देश की विपन्नता, ये आपको याद रखने हैं। आयरन लो ऑफ वेगस, इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, विशेषताएं याद रखनी है। गोड गोल्ड और ग्लोरियस, वाणिज्यवाद के क्या परिणाम हुए, वाणिज्यवाद का पतन कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे, निरंकुश राजसत्ता थी, व्यापार को अधिक महत्व दिया गया था, सोने को अत्यधिक यानी धन को अत्यधिक महत्व दिया गया था, ये थे वाणिज्यवाद के पतन के प्रमुख कारण। चार थे, परिवर्तनशील नहीं थे। लेसेज फेयर क्या था, लेसेज फेयर किसने दिया था, ये आपको याद रखना, फ्रांस के तुर्गो ने और एडम स्मिथ ने दिया था। ये आपका था वाणिज्यवाद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।